हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अमेजिंग वाइफ के चैप्टर 15। चैप्टर 14 में हमने देखा था कि बैकी अपनी पुरानी यादों को देखती है, वो थोड़ा परेशान हो जाती है, जिसे देखकर फ्रिन थोड़ा परेशान होकर उसे हग करती है और उसे किस करती है। अब आगे बैकी के मन में अपनी वाइफ को लेकर अनसेफ फीलिंग थी। वह अपने पास्ट को याद न कर पाने के लिए गिल्टी फील करती थी और वह सोचती थी कि फ्रिन उससे पहले जैसा प्यार नहीं कर सकती। यहाँ तक कि फ्रिन ने उसे समझाया कि इसमें उसकी गलती नहीं है और वह इस बारे में ना सोचे। जब फ्रिन किसी से बातें करती या हंसती जो उसकी फ्रेंड नहीं है, तो बैकी उससे जेलस फील करती। वह कौन था, बैकी ने पूछा जब उसने फ्रिन को अपनी कार की पैसेंजर सीट पर बिठाया। वह फ्रिन को यूनिवर्सिटी से लेने आई थी। कुछ समय पहले बैकी ने फिन को यूनिवर्सिटी के सामने किसी लड़के से बात करते देखा था। फिन बताती है वह बस एक कलीग है। बैकी कहती है, तो आप यहाँ एक साथ थे? फिन कहती है, नहीं। बैकी कहती है, आप दोनों क्लोज लग रहे थे। फिन पूछती है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? बैकी कहती है, कुछ नहीं। फिन कहती है, ठीक है डैडी, ऐसा मत कहो कि आप उस पर्सन से जेलस हैं। वह बस एक कलीग है, हम आने वाले एग्जाम के बारे में बात कर रहे थे। बैकी ने कुछ नहीं कहा, इसलिए फ्रिन आगे कहती है, अरे ये क्या, तुम जेलस हो माय लव? यह सुनकर बैकी ने अपने लिप्स फोल्ड किए, इससे वह काफ़ी क्यूट लग रही थी। ये देखकर फ्रिन स्माइल करती है और कहती है, अपनी तरफ देखो डैडी, आप कितनी प्यारी लग रही हैं। यह सुनकर बैकी कहती है, मजाक मत करो। फ्रिन कहती है, यह कोई मजाक नहीं है, तुम बहुत प्यारी लग रही हो और ब्यूटीफुल भी, मैं अपनी आंखें आपसे हटा नहीं पा रही हूँ। इतना कहकर फिन ने बैकी के चिक्स पर पिंच किया, जिससे बैकी ने स्टूपिड होने का नाटक किया, लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकी। फिन कहती है, माय लव, मेरे पास और किसी के लिए टाइम नहीं है, मेरे दिल में हमेशा आप ही रहेंगे, इसलिए ऐसा मत सोचो, बस ये सोचो कि हर रात हम कैसे इंजॉय करते हैं। जैसे ही फिन ने यह कहा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने फिन की तरफ देखा, उसे अपने क्लोज लाई और पूरे पैशन के साथ उसे किस किया। दिन निकलते गए, लेकिन बैकी की मेमोरी वापस नहीं आई। कभी कभी उसे कुछ पुरानी यादें फील होती थी, लेकिन पूरी तरह नहीं। फिन उसे समझाती थी कि उसे पुरानी यादें याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बैकी अंदर ही अंदर अपनी यादों को याद करना चाहती थी। उसने ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया। इसी कम करने के लिए बैकी ने वाइन पीना शुरू कर दिया। बैकी को पहले वाइन से नफरत थी, लेकिन अब वह उसे पीना लाइक करती है, क्योंकि इससे उसकी बेचैनी और नेगेटिव थॉट थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाते थे। फिन उसे हमेशा डांटती थी कि वह गिल्टी क्यों फील करती है। फिन बैकी से हमेशा कहती थी कि जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। फिन को हमेशा डर रहता कि बैकी इससे ज़्यादा परेशान रहती है। कभी कभी बैकी रात को नशे में घर आती थी और सुबह फिन को सॉरी कहती थी। फ्रिन को पता था कि बैकी कैसी होती जा रही थी। वह इसके बारे में बैकी से बात करने की कोशिश करती है। वह उसके डॉक्टर से मिलने के लिए कहती है, जिससे उन दोनों के बीच झगड़ा होता था। बैकी कहती है, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, हाँ? फ्रिन कहती है, ओह गॉड, ऐसा नहीं है, तुम मुझसे दूर जा रही हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे सच में तुम्हारी ज़रूरत है माई लव। यह सुनकर बैकी कहती है, मैं आपसे दूर नहीं जा रही हूँ, मैं आपके पास ही हूँ। फ्रिन कहती है, हाँ बॉडी से, लेकिन माइंड से नहीं, मेंटली आप मुझसे दूर होते जा रहे हैं। बैकी कहती है, ऐसा मत सोचो कि पूरी लाइफ तुम्हारे तुम्हारे चारों तरफ घूम रही है। जैसे ही फ्रिन ने बैकी की ये बातें सुनी, उसका दिल टूट गया। फ्रिन कहती है, नहीं डैडी, प्लीज़ शांत हो जाइए, हम आप ऐसा नहीं बन सकते, मैं आपको इस तरह नहीं देख सकती हूँ, मैं आपको वाइन पर डिपेंड होने नहीं देना चाहती, हमारी फैमिली के बारे में सोचो, जेसी के बारे में सोचो। तभी बैकी कहती है, आप जैसी को बीच में क्यों लाते हो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे अपने लिए टाइम चाहिए, अब मैं एक यंग वूमन हूँ। फ्रिन कहती है, हाँ आप सही हैं। तभी बैकी कहती है, सही है, लेकिन फिर क्या। फ्रिन बैकी के क्लोज आती है और उसे होल्ड कर लेती है, लेकिन बैकी उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी। वह दूर हो भी जाती है, अपना बैलेंस खोने के कारण फ्रिन नीचे फ्लोर पर गिर जाती है। ये देखकर बैकी फ्रिन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, क्या आप ठीक हैं? फ्रिन, मैं ठीक हूँ। बैकी सॉरी कहती है और कहती है, मेरा आपको हर्ट करने का इरादा नहीं था, प्लीज़ आई एम सॉरी बेबी, प्लीज़ आई एम सॉरी। वो फ्रिन को होल्ड करती है।
ये देखकर फिन कहती है, ये ठीक है, मुझे पता है आपने जानकर ऐसा नहीं किया, मैं ठीक हूँ। फिन ने खड़े होने की कोशिश की लेकिन पैर में क्रैम्प आ गया था। उसने बैकी का हाथ पकड़ा और बेड पर जाकर बैठ गई और बैकी उसके साइड में बैठ गई। फिन पूछती है, मुझे बताओ आप क्या चाहती हैं। बैकी कहती है, मुझे नहीं पता। फिन को डर लगता है जब भी वह बैकी से क्वेश्चन करती है। बैकी हमेशा उसे ऐसा ही आंसर देती थी कि वह यही चाहती थी, लेकिन आज वह चेंज हो गया। फिन फिर से पूछती है, ठीक है तुम क्या करना चाहती हो। बैकी फिर से आंसर देती है, मुझे ये भी नहीं पता। फिन कहती है, क्या आप पुराने टाइम की तरह जैसी और मेरे साथ बाहर जाना चाहते हैं। यह सुनकर बैकी कहती है, ठीक है मुझे अच्छा लगेगा, कल हम बाहर जाएंगे और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। इतना कहकर बैकी स्माइल करती है। बैकी कहती है, प्लीज़ आई एम सॉरी बेबी, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अच्छी बनूंगी। इतना सुनकर फिन ने बैकी को हक किया और विश की कि वह उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को किस किया। कुछ दिनों बाद फिन ने बैकी को ठीक करने की कोशिश की। पहले तो वह सक्सेसफुल रही, लेकिन लास्ट मोमेंट में बैकी टूट गई और अंधेरे में चली गई। ऐसा लगता था जैसे वे लूप में रहते हैं, वे लड़ते फिर ठीक होते और फिर से लड़ते। फिरिन इससे पहले ही टूट गई थी। इरिन ने भी अपने बेस्ट फ्रेंड में चेंजेस देखे। कभी कभी वह उसे समझाती क्योंकि वह उससे प्यार करती थी, लेकिन बैकी नहीं समझी और दोनों के बीच आर्गुमेंट हुई, इसलिए उनकी दोस्ती पहले जैसी नहीं रही। इरिन बैकी से नाराज़ थी। इधर जब भी फिरिन बैकी को कॉल करती तो बैकी फ़ोन नहीं उठाती। फिरिन को पता चल जाता कि वह बार में है और वाइन पी रही है, तो फिन को पता था कि उसे कहाँ जाना है और वह बैकी को लेने वहाँ जाती है। वह जानती थी कि जब भी बैकी नशे में होती है तो लोग उससे फ्लर्ट करने का ट्राई करते हैं और उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं, इसलिए वह खुद ही हमेशा बैकी को लेने जाती थी। ये सब काम करके फिन एक ही टाइम पर बैकी और जैसी की देखभाल करते हुए थक गई थी। सुबह के टाइम गुड मॉर्निंग मॉम, बैकी ने यह कहते हुए फिन को किस करने की कोशिश की। जब वह उठी तो फिन ने जवाब नहीं दिया, इसलिए बैकी को पता चला कि कल रात कुछ हुआ था। उसने याद करने की कोशिश की लेकिन याद नहीं आया। बार तक पहुंचने तक उसे याद था लेकिन उसके बाद का कुछ याद नहीं आया। बैकी बेबी बेबी कहते हुए फिन के टॉप पर आ गई। फिन ने कोशिश करते हुए अपना सिर राइट साइड में घुमाया। बैकी ने फिन की आंखों में आंसू गिरते हुए देखे। उसने फिन के आंसू पोंछे और उसकी आंखों की तरफ देखा, लेकिन फिन के आंसू चुपचाप गिरते रहे। बैकी को नहीं पता कि क्या करना है, इसलिए उसने खुद को फिन के टॉप से हटाया और फिन को बेड पर बिठाती है। बैकी पूछती है, बेबी प्लीज़ मुझे बताओ क्या बात है, क्या हुआ है। लेकिन फिन ने कोई आंसर नहीं दिया। बैकी ने उसे अपनी आंखों में देखने के लिए कहा, मुझे देखो बेबी, मुझे बताओ क्या हुआ है। फिन कहती है, आई एम सॉरी। ये सुनकर बैकी कहती है, सॉरी किस लिए। फिन कहती है, क्योंकि मैं आपको हैप्पी नहीं रख सकी। बैकी कहती है, अरे प्लीज़ ऐसा मत कहो, तुम और जैसी मेरी हैप्पीनेस हो। फिन कहती है, बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं। तभी बैकी कहती है, आप किस बारे में बात कर रही हैं। फिन कहती है, मैं इस सिचुएशन में आपकी हेल्प नहीं कर सकी, मुझे लगता है मुझे तुमसे हार माननी होगी। तभी बैकी कहती है, ऐसा मत कहो बेबी, मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगी। फिन कहती है, तुम जो चाहो वो करो, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, तुम्हारे पास पैसा है और गर्ल्स भी तुम्हारे आसपास होंगी। ये सुनकर बैकी कहती है, क्या गर्ल्स, बेबी अब फिर से शुरू मत करो। फिन कहती है, तुम बार में गर्ल्स को किस कर रही थी और उनके साथ रिलेशन बना रही थी, शायद तुम मुझसे तंग आ गई हो, इसलिए तुम गर्ल्स को किस करती हो। ये सुनकर बैकी कहती है, आप किस बारे में बात कर रही हैं। फिन कहती है, तुम नशे में थी और हमेशा यही कहती हो कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। इतना कहकर फिन ने अपने आंसू पोंछे और फिर से कहा, कल रात मुझे पता था कि आप अपनी फेवरेट प्लेस पर गए थे और आपने मुझसे और जैसी से प्रॉमिस किया था कि आप हमें डिनर के लिए बाहर ले जाएंगे, लेकिन तुम नहीं आए और मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया, इसलिए मैं वहाँ आई, लेकिन आप वहाँ किसी गर्ल्स की नेक पर बाइट कर रही थी और ये पहली बार नहीं था जब मैंने तुम्हें ऐसा करते देखा। मुझे पता है कि तुम यंग हो सकता है आप किसी के साथ रहना चाहते हो, लेकिन हमारी वजह से तुम ऐसा नहीं कर पा रही हो, इसलिए मैंने कल रात बहुत सोचा, मुझे तुम्हें वही करने देना चाहिए जो तुम करना चाहती हो। जब भी मैं तुमसे कुछ कहती हूँ तो तुम्हारा दम घुटने लगता है, तुम मेरी बातों को सुनना नहीं चाहती, हम हमेशा झगड़ते हैं,
तभी बेकी कहती है, प्लीज बेबी ऐसा मत करो। फ्रीन कहती है, मैं अब थक गई हूँ डैडी, आप जानते हैं मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन मैं हमेशा आपसे प्यार करती रहूँगी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैंने बहुत कोशिश की थी, यहाँ तक कि आप भी दूर चले गए, हमारी बेटी आपके लिए कई रातें वेट करती है, वह आपको अपनी ड्राइंग दिखाना चाहती थी, वह आपके साथ कार्टून देखना चाहती थी, अब वह आपसे डरने लगी है क्योंकि आप हमेशा नशे में होते हैं और हम पर चिल्लाते हैं, वह मुझसे पूछती है कि तुम कहाँ हो, क्या आप उसके लिए चॉकलेट लाएंगे, और मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसके क्वेश्चन का क्या आंसर दूँ। ये सारी बातें सुनकर बैकी को बुरा लगता है। फ्री नागे कहती है, मैं नहीं चाहती कि हमारी बेटी ये सब झेले जो मैंने झेला था, जब मैं छोटी थी तो मेरे डैड भी ड्रिंक करते थे और मुझे पता है यह कैसा लगता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने प्रॉमिस किया था कि हम जैसी को एक अच्छी लाइफ देंगे, इसलिए यदि आप हमारा हिस्सा नहीं बनना चाहते तो मुझे इसके लिए आगे स्टेप उठाना होगा, मैं आपसे थक गई हूँ और सुबह सुबह आपके सॉरी से भी थक गई हूँ। आप दूसरी गर्ल्स को किस करती हैं, उन्हें बाइट करती हैं, अब मैं ये नहीं देख सकती, इसलिए मुझे लगता है कि हमें एक ब्रेक ले लेना चाहिए, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो मुझे लगता है कि इससे चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं, और जेसी के लिए मुझे ये करना होगा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊँगी। ये सारी बातें सुनकर बेकी कहती है, क्या प्लीज़ आई एम सॉरी, आप इस तरह बात क्यों कर रही हैं। फिन कहती है, मैं सीरियस हूँ, मैं आपको कुछ टाइम देना चाहती हूँ और मैं जेसी को अपने साथ ले जा रही हूँ। तभी बेकी कहती है, आप उसे मुझसे दूर नहीं ले जा सकती। बेकी कहती है, सॉरी मतलब आप उसे ले जा सकती हैं, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। फिन कहती है, मैं कर सकती हूँ और प्लीज़ मुझे मजबूर मत करो कि मैं आपसे नफरत करूँ। बेकी फिर से कहती है, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, लेकिन फिन कहती है, आप मुझसे क्या उम्मीद कर रही हैं, शराब पीना, बर्बाद होना और किसी लड़की के साथ रिलेशन बनाना, ये सब मैं यहीं रहते देखूँ। बेकी फिर से कहती है, प्लीज़ आई एम सॉरी, मेरी बात सुनो बेबी। बेकी कहती है, मैं ये सब छोड़ दूंगी, प्लीज़ मुझे एक चांस दो। तभी फ्रेंड कहती है, आपने पहले भी ये कई बार कहा है लेकिन आप इसे कभी नहीं छोड़ती, अब मैं आप पर ट्रस्ट कैसे करूं। बेकी कहती है, यह ठीक है, यह पहली बार नहीं है। बेकी के पास कहने के लिए वर्ड्स नहीं थे, इसलिए वह चुप हो गई, वह अपनी सारी कमियाँ जानती है। तभी बेकी रोती है, उसे लगता है कि यह सब उसके ज़्यादा सोचने का नतीजा है। तभी किसी ने डोर पर नॉक किया, बेकी गेट की तरफ जाती है और डोर ओपन करती है। जैसी ने बेकी को इग्नोर कर दिया और फिन की तरफ भागी। जैसी ने कहा, माँ चलो नानी के पास चलते हैं, आपने कल रात कहा था, क्योंकि जैसी 2 साल और 5 महीने की है, वह अब क्लियर वर्ड बोल सकती है। फिन कहती है, हाँ हाँ हम अभी जा रहे हैं, आपको जो भी खिलौने चाहिए वो सभी ले लो, हम थोड़ी देर में नानी के पास जा रहे हैं। इतना सुनकर जैसी मुस्कुराई, उसे नानी के साथ रहना पसंद है क्योंकि वह उनसे काफ़ी प्यार करती है। इसके बाद जैसी कहती है, डैडा चलो, जैसी ने बेकी का हाथ खींचते हुए कहा। तभी फिन कहती है, नहीं बेबी, डैडा हमारे साथ नहीं आ रही हैं। जैसी ने बेकी को आंसू भरी आंखों से देखा, जैसी भी बेकी के साथ रहना चाहती थी। तभी बेकी कहती है, प्रिंसेस आप माँ के साथ जाओ, डैडा आपको लेने के लिए आएंगे, ठीक है। बेकी कहती है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके लिए ढेर सारी चॉकलेट लाऊंगी। इतना कहकर बेकी ने जैसी के फोरहेड पर किस किया। बेकी जानती थी कि इस समय फ्रीन उसकी कोई बात नहीं मानेगी और वह अपनी बेटी के सामने कोई प्रॉब्लम नहीं करना चाहती थी। रेडी होने के बाद फ्रीन ने दादी को सारी बातें बताई। दादी इस सिचुएशन में फ्रीन को अच्छे से समझती है, इसलिए उन्होंने फ्रीन को जाने दिया, भले ही दादी नहीं चाहती कि वे उन्हें छोड़कर जाए। जाते समय बेकी ने फ्रीन को पीछे से हक किया और कहा, प्लीज़ आई एम सॉरी मॉम, मैंने सब गड़बड़ कर दिया, लेकिन मैं इसे पहले की तरह ठीक कर दूंगी और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको लेने के लिए ज़रूर आऊँगी, प्लीज़ मेरा वेट करना। और एक और बात, अब मैं किसी को किस नहीं करूँगी, मैं बस तुम्हारी हूँ, मैं किसी को अपने आप को टच नहीं करने दूँगी, आई मिस यू एंड आई लव यू। इसके बाद बेकी कहती है, अपना और जैसी का ख्याल रखना। बेकी की बातें सुनकर फ्रीन कहती है, ऐसा कोई प्रॉमिस मत करो जिसे आप पूरा नहीं कर सकते। फ्रीन ने बस यही बातें कही। बेकी ने जैसी के चिक्स पर किस किया और कहा, डैड आपसे बहुत प्यार करते हैं, कुछ दिन आप माँ के साथ रहो, डैड आप दोनों को लेने आएंगे। बेकी की बातें सुनकर जैसी ने सिर हिलाया। फ्रीन ने टैक्सी बुलाई और जैसी के साथ हवेली छोड़ दी। जब टैक्सी चली गई तो बेकी टूट गई और रोने लगी। तभी दादी ने उसे हक किया और कहा, सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे।
तो दोस्तों ये था अमेजिंग वाइफ का चैप्टर 15। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।